Assalamualaikum, this is Wajiha Noor. कैसी मेरी प्यारी सी YouTube फैमिली, उम्मीद करती हूँ कि सब बहुत 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 अच्छे होंगे, हंसे मुस्कुराते अपनी फैमिलीज के साथ हैप्पी लाइफ के हैप्पी मोमेंट्स को हैप्पीली इन्जॉय कर रहे होंगे। तो जी, लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि हम लोग जा रहे हैं बच्ची के घर, मतलब अपनी नन के घर, तो अभी तैयारी उसी की हो रही है। तो अंकल आंटी जो हैं वो काम से झेलम जा चुके हैं और हम लोग तैयारी कर रहे हैं। यहाँ मम्मिया जी के कपड़े प्रेस कर रही हूँ, अपने भी कपड़े प्रेस कर रही हूँ, तो क्योंकि हम लेट हो रहे हैं काफ़ी ज़्यादा और जाते जाते ठंड बढ़ जाएगी, इसलिए मैं जी की जैकेट रखूँगी साथ। तो मेरा डबल अबाया है इसलिए मुझे प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ मैं अपने ड्रेस प्रेस कर रही हूँ। इस ड्रेस के बारे में बात की जाए तो ये ड्रेस मैंने इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि इसको मैं नॉर्मल फैमिली गैदरिंग में भी जाके पहन के जा सकती हूँ, और अगर किसी फंक्शन पे पहनना चाहूँ तो एक नई लुक के साथ भी मैं इसको पहन सकती हूँ। तो दोनों लुक मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, किसी वीडियो में डिटेल के साथ बात करेंगे कि कम बजट में आप किसी भी ड्रेस को किस तरीके से डिज़ाइन करें कि वो 2 से 3 दफ़ा भी आप पहन सकते हैं, हर दफ़ा नई लुक और वो भी कम बजट में। तो वेट कीजिए मेरी उस वीडियो का भी। तो यहाँ के कपड़े जो है वो हमारे हो चुके हैं, प्रेस हो चुके हैं, अब हम कर रहे हैं तैयारी। तो जी, सादे से बंदे हैं हम, सादे से लोग हैं, सादी सी तैयारी है हमारी, कोई मेकअप वगैरह नहीं किया, जस्ट हम अच्छे से ड्रेसअप हुए हैं, शूज़ पहने हैं, अच्छे से बाल बनाए हैं, बस ख़त्म। इसके अलावा चूड़ियाँ पहन रही हूँ, चूड़ियाँ बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, मुझे बहुत पसंद है इसलिए। तो हल्की सी प्यारी सी धीमी सी फ्रेश रहने के लिए खुशबू लगा रही हूँ ताकि मुझे फ्रेश फ्रेश फीलिंग आए। तो यहाँ आपकी वजह नूर हो गई है रेडी जाने के लिए। तो अभी मैंने अबाया पहन लिया है क्योंकि जब मैं अबाया पहन लेती हूँ ना तो मेरे मियाँ जी को लगता है कि मैं रेडी हो चुकी हूँ। तो अबाया पहन के मैं अपनी बाकी चीज़ें जो हैं वो बैग में अभी रख रही हूँ। इस बैग की ख़ास बात यह है कि इसमें सारी चीज़ें, बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं, उम्र यार की जमील है, तो जब मुझे कहीं दूर जाना हो तो मैं ये बैग लेके जाती हूँ। तो जी, रेडी हो गई हूँ मैं, चलिए सफ़र को चलते हैं, आप इंजॉय कीजिए हमारे साथ हमारे सफ़र को, लेट्स गो।
अच्छा, एक दिन पहले खाला मेरे साथ बात कर रही थी, जिक्र हो रहा था पान का, तो उन्होंने मुझसे पूछा कभी पान ट्राई किया, तो मैंने कहा नहीं, कभी भी नहीं। मुझे लगा पान बहुत बुरी चीज़ होती है, कोई गंदी टाइप की चीज़ होती है, तो आंटी ने बताया कि नहीं, मीठा पान बहुत अच्छा होता है, बहुत मज़े का होता है, कभी ट्राई करना। तो मैंने सोचा चले आज ही ट्राई करते हैं, और वो भी करते हैं अपनी बाजी के साथ ट्राई करते हैं। मियाँ जी तो इनकार कर दिया कि नहीं मैं नहीं खाने वाला। तो यहाँ पर हमने जी ले लिए हैं पान, और इन्हें हम ट्राई करेंगे, और मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है, शेयर करूँगी आप लोगों के साथ कि मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस जो है वो कैसा रहा। तो यहाँ पे बाजी से बात कर रहे हैं कि आपको कुछ चाहिए हो तो बताइए, हम ले आते हैं। तो बाजी ने कहा कुछ भी नहीं चाहिए, बस आप लोग जल्दी से आ जाएं। फिर इसके बाद हम लोग गए यहाँ बच्चों के लिए, कुछ छोटी मोटी चीज़ें खरीदी, कुछ ज़्यादा नहीं, बस छोटी मोटी कुछ चीज़ें। और इसके बाद फिर हम पहुँचे हैं घर। जी हम पहुंच गए अपनी मंजिल मकसूद पे, और सफ़र बहुत अच्छा रहा, ठंड भी थी, और साथ में हम सफ़र अच्छा हो तो सफ़र अच्छा गुजरता है। और घर आए, सबसे मिले, पानी वगैरह पिया। यहाँ पे तैयारी हो रही है हलीम की, बाजी हलीम बना रहे हैं। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि इसके बाद क्या हुआ, हमने क्या क्या किया। और वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर करना मत भूलें, न्यू है तो मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब, बने मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा, और हमें सपोर्ट करें क्योंकि आप लोगों के प्यार की, सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक अपना रखें ढेर सारा ख्याल, मुझे रखें दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।